एनटीआर सर, रामचरण सर, आलिया, बहुत बहुत स्वागत है. बिफोर आई स्टार्ट माई शो, दास दादा, जस्ट क्लिक ए पिक्चर. व्हाई टुडे स्पेशली? पुट इट ऑन इंस्टाग्राम और नीचे लिखो कि रामचरण एंड एनटीआर जस्ट रिवील दैट दे आर ग्रेट फैन ऑफ मी. ओके. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. और हमने आरआरआर का ट्रेलर देखा. सर, यू अंडरस्टैंड हिंदी? आई अंडरस्टैंड सर. आई कैन स्पीक, बट दे डोंट नो वेदर आई एम स्पीकिंग हिंदी और सम अदर लैंग्वेज. देन मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड माय इंग्लिश. राजामौली सर, सर टुडे स्पेशली फॉर यू गाइस, अर्चना जी स्पेशली स्पेंड यू नो 1500 रुपीज ऑन फ्लावर्स. She never spent a single rupee from her own pocket. But today she spent a lot of money. Sir, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और मैंने देखा है राजामौली सर इतनी ग्रैंड फिल्में बनाते हैं, हमें लगा था ये हाथी पे बैठ के आएंगे और पीछे गाना चलेगा गली गली तेरी लो चली. सीरियसली, he is so simple man. सर, आप सीरियसली इतने सिंपल हैं या इनकम टैक्स की नजरों से बचते हैं आप? That's the exactly reason why I be simple. Oh God. Wow. पर सर, हम बहुत बड़े फैन हैं आपके. पर राजामौली सर का टेस्ट बहुत ही ग्रैंड है. इन्होंने मगध हीरा करी, मक्खी बनाई, बाहुबली बनाई, अब आरआरआर, और टीवी शो भी चुना तो द कपिल शर्मा शो. What a choice, sir. Oh. राम सर हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं, एक बार प्रियंका चोपड़ा के साथ. आलिया तो हमारी फैमिली मेंबर है जी, हम लोग करते रहते हैं शोज. एनटीआर सर पहली बार आए हैं. सो आप मुझसे मिलने के लिए हिंदी सीख रहे थे? आप मेरी इंग्लिश सीखने का वेट कर रहे थे? नहीं, इंग्लिश सुनने का वेट कर रहा था. इंग्लिश सुनने का वेट कर रहा था. ओके, सो टुडे आई विल स्पीक अ लॉट ऑफ इंग्लिश. आलिया संभाल लेना. डोंट वरी, मैं हूं. हाँ, बस वही, हमेशा हमेशा के लिए. आइए प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है. आइए सर, प्लीज विराजमान हो जाइए. एनटीआर सर, मैं जी, आजकल क्या कोविड वोविड का माहौल चल रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप जब एयरपोर्ट जाते हैं जी, तो एनटीआर बोल के काम चल जाता है कि आरटीपीसीआर भी दिखाना पड़ता है? यू आर अ ह्यूज स्टार. आई मीन, नहीं सर, कोविड ने सबको एक बराबर कर दिया. हाँ, बराबर कर दिया, दिखाना पड़ता है. आलिया इस फिल्म में हीरोइन है. आप सब एक बार आलिया के लिए जोरदार तालियां, क्या कमाल का काम करती है. सो आलिया, ये आरआरआर करने से पहले आपने फिल्म की कहानी सुनी थी कि खाली आर सुन के हाँ कर दिया था? बिकॉज आई मीन इट्स अ ट्रिपल आर. Actually, you're right. मैंने R सुन के ही हाँ कर दिया था, क्योंकि R stands for राजामौली सर. Wow. Very smart answer. और मैं रामचरण सर के बारे में बताऊं, ये इनकी एरोप्लेन की कंपनी भी है, होटल की फ्रेंचाइज है, हॉस्पिटल्स भी हैं. सर, इतना सब कुछ होने के बाद आपको नहीं लगता इतना पैसा है यार, फिर भी मैं इतने भाग भाग के काम क्यों करता हूँ? कभी रिलैक्स होने का मन नहीं करता? सर, एयरलाइन कंपनी ओन करने से हम इधर नहीं आ सकते ना. राजामौली सर, एक आप सामने हैं तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, यू नो शी अर्चना मुकुंद सिंह. ऑफ कोर्स वी नो हर, शी आल्सो एक्टेड इन तेलुगु फिल्म कंडपल्ली राजा सम टाइम बैक. यस सर, वहां पे भी काम किया आपने. आश्चर्य की होता है. He is so surprised that I have worked. अब मैं इंडस्ट्री में 40 साल से, 40 years sir. So he is very surprised I have worked in some few films. And someone was telling me, you know, दादा साहब फाल्के, who you know started the industry. So someone was telling me she shot a film with him also. But sir, there was a rumor. So Archana ji was telling me that you know first you approached her for the Kattappa role. Is it true? Kattappa. I wish. Sir, if you had, na, I would have agreed. I would have said yes. Oh, thank you. राजामौली सर ने भी backstage मेरे को बता दिया था. कहते yes, I approached her for Kattappa, but dates का issue हो गया था. Yeah, she was busy with your show. She couldn't come. Yeah, true. Archana ma'am, during the lockdown, I wanted to tell you, I've enjoyed your videos from your house. Oh, thank you, Ramesh. Especially your thank you. Superb. Especially your helper, that lady.
Bhagyashree. Bhagyashree. I think she's more famous than you in the videos. There is a twist. She made her famous. Now she stopped giving her salary. बोलती मैंने तुझे लॉन्च किया, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगी. आलिया, आपने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था कि आपने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कपिल शर्मा शो में लेके जाऊंगी? सर, मेरी तारीफ कोई करता नहीं, मैं अपनी खुद कर लेता हूँ. आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन. नहीं, उन्होंने यही कहा कि आप प्लीज हमको ये शो पे लेके जाना, फिर आप फिल्म में काम कर सकती हो. तो मैंने कहा हाँ, डेफिनेटली मैं कपिल से बात करूंगी. ही इज अ फ्रेंड, वी टॉक एवरी डे, यू नो, गो फॉर कॉफी एंड स्टफ लाइक दैट. सो या. ओह, थैंक्स आलिया. अच्छा सर, मेरे पे एक सीरियस सवाल पूछना है. साउथ की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, लेकिन आप कभी प्रमोट नहीं करते नॉर्मली. मेरे ख्याल से 7-8 साल बाद तो आपसे मुलाकात हो रही है. सर, जरूरत नहीं पड़ती है. एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती है. प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये अपने घर से बाहर कदम रखेंगे और वहां वो पिक्चर देखने आ जाएंगे. दैट्स हाउ डिवोटेड एंड हाउ लॉयल द फैन बेस. वाओ, सुपर्ब सर. ये ब्लेसिंग्स होती हैं एक्चुअली. सर, एनटीआर सर, आप और रामचंद्र सर पहली बार एक फिल्म कर रहे हैं साथ में, तो पहले कोई ऐसा ऑफर नहीं आया साथ में, या किसी प्रोड्यूसर के पास इतने पैसे नहीं थे आप दोनों को अफोर्ड कर सके? सेकंड आंसर इज राइट. नहीं, राजमौली नहीं थे सर. हाँ, इतना बजट भी नहीं था. हाँ, तो राजमौली है, बजट भी है. For the budgets to happen. पर राजमौली सर ने भी पहले बाहुबली बनाई, पहले कमाए, फिर दोनों को साइन किया. सर, ये RRR टाइटल कैसे आया दिमाग में? कोई टाइटल और सूझ नहीं रहा था, या आपको लगा रुपया 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 बहुत कमाने वाली है ये फिल्म? ये टाइटल कैसे आया सर? In the beginning, we didn't know what to put the title, so we thought, okay, to refer to the project, we'll put it as RRR because Ram Charan, Rama Rao, Raj Modli, with that hashtag RRR. Wow. मगर audience को वही पसंद आ गया. So we kept that on me as the title. नहीं, बहुत try किया था इन्होंने, you know, he was like trying. अरे क्या करूँ मैं अब ये ट्रिपल आर जो इतना famous हो गया, तो क्या करूँ? So but I think वो रुपये 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 was very true, you know, for him it's that. आपको तो actually title सोचने की ज़रूरत नहीं, आप खाली इतना लिख दिया करो, मेरी अगली फिल्म. हमने एनटीआर सर को कहते हुए सुना कि इन्होंने इस फिल्म में 9 किलो वजन बढ़ाया, 18 महीने इनके ट्रेनर ने लिए, मतलब हाफ केजी पर मंथ. एब्सोल्युटली. तो वो सीरियसली आपका वजन बढ़ा रहा था कि अपनी पेमेंट बढ़ा रहा था? ज्यादा टाइम लिया उसने. सर, वही तो पूछना चाहिए मुझे. आई हैव टू एक्चुअली रिसर्च ऑन इट. थोड़ा रिसर्च वर्चेस करके फिर से आई विल कम टू कपिल शर्मा शो एंड गिव यू अ प्रॉपर आंसर. क्या हुआ उधर? पर आप अगर एक्चुअली पंजाब आ जाते ना जी, हम आपको ऐसी ऐसी चीजें खिलाते. देयर इज अ डिश कॉल्ड यू नो तंदूरी कुलचा, छोले, लस्सी. सो दिस साइज कुलचा एंड बिगर देन कुलचा देयर इज अ व्हाइट बटर. यू जस्ट क्रश द बटर इनटू द कुलचा, जस्ट थ्रो इट इन योर स्टमक. सर, मुझे मेरा अगला फिल्म दंगल का रीमेक तो नहीं है सर. ओके. और मैं आपको लस्सी पिलाऊंगा सर, इतना बड़ा गिलास कटप्पा के मुंह जितना. और वो आप लस्सी पियो, आधे घंटे में साउंड स्लीप. अर्चना, यू नो शी गॉट 90 kg इन 40 डेज. और अब इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब ये रेंट पे देती हैं कोलेस्ट्रॉल. कैन आई प्ले आमिर खान इन दंगल 2? या देन आई एम देयर, देन आई एम देयर फॉर श्योर. सो राजामौली सर, एनी चांस यू डिडंट गेट माय पंच, आई हैव यू नो क्यू फॉर यू. लाइक इफ आई शो विल दिस बिग लाफ्टर, इट्स अ माइल्ड लाफ्टर जो कैन बी इग्नोर्ड, एंड दिस इज लाफ्टर. सो आई विल गाइड यू सर, बट आई लव यू सर. आलिया को हमने कहीं बोलते सुना कि ये सबसे पहले किसी चीज से अट्रैक्ट होती है, तो वो होती है स्मेल. सो अगर कोई आपको लड़का प्रपोज करता है, तो आप क्या बोलती हैं? सोच के बताऊंगी कि सूंघ के बताऊंगी? I mean, जो भी प्रपोज करेगा, I'm sure मैंने ऑलरेडी सूंघा ही होगा. आलिया बड़ी हो गई है, अब बच्ची नहीं रही आलिया. बहुत स्मार्ट हो गई है. मैं हमेशा से स्मार्ट थी, बस तुमको नहीं पता था. एनटीआर सर, राजामौली साहब की पहली फिल्म जो थी Student No. 1, उनमें आपने साथ में काम किया था. उसके बाद भी आपने एक दो फिल्में और की. फिर जब बाहुबली बनी,
तब आपने इनको बोला नहीं नाउ बिग बजट बिग पेमेंट व्हाई आई एम नॉट देयर दैट्स व्हाई आई एम हियर फाइनली बिकॉज़ आई आस्क्ड दैट आई एम हियर अच्छा ये बड़ा होता कट टू कट आंसर होते उसके बाद फिर चुप हो जाता हूँ अच्छा बाहुबली के बाद आपको कोई फर्क नजर आया राजामौली सर में ये आसानी से मिल जाते हैं कि प्रभास बाहर रोक लेता है आसानी से तो नहीं मिलते हैं सर ये अच्छा बहुत मुश्किल है इनको पकड़ना लेकिन एक बार अगर वो भी एक फियर सा है सर अगर इन्होंने हमने पकड़ लिया पहले हाँ वो 3-4 साल तो जा रहा है कोई और नहीं पकड़ सकता एक्चुअली मैंने सुना भी है सर आपकी फिल्म में कोई भी रोल कर लेता ना तो उसको झटक से बाहर 4-5 फिल्में साइन हो जाती है भले ही उसका रोल यही हो कि हाथी के पैर के आगे नीचे मरना है मतलब इतना बड़ा नाम है राजमौली सर का पर सर वैसे नॉर्मली कभी फिल्म शूट होती है कोई आलिया आप तो गवाह है हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है मीडिया से कोई बात छुपी नहीं रहती 2 साल तक आपने कैसे छुपा के रखा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा मतलब सीरियसली किसी को आपने रिवील नहीं होने दिया या आपने भी पहले मरवा दिया था उसके बाद आपने दूसरा पार्ट सोचा नहीं सर बिकॉज आई केप्ट ऑल माय एक्टर्स लॉक्ड इन रामोजी फिल्म सिटी आई डिडंट लेट एनीवन आउट फॉर 2 साल तक सो मीडिया डिडंट हैव अ चांस टू मीट एनीवन वाओ सो दैट्स पहले ऐसा पॉलिटिशियन लोग करते थे कि सबको एक रिसॉर्ट में बांध दो उसके बाद सरकार बना के निकलते हैं बिग बॉस का प्रोग्राम था सर वो कि अंदर जाओ फिर बाहर मत आओ 5 साल के लिए 5 साल वाओ रामचरण सर के बारे में आप सब जानते हैं इनके पिताजी चिरंजीवी साहब लेजेंडरी एक्टर बहुत बड़े सुपरस्टार इनके अंकल पवन कल्याण जी सुपरस्टार कजन अल्लू अर्जुन जी सुपरस्टार सर आपके घर में सारे ही सुपरस्टार्स हैं कभी आप साथ में बैठ के डिनर करते हैं तो आपका वॉचमैन आके बोले कोई फैन आया आप कंफ्यूज नहीं होते कि किसका है बिल्कुल हम कंफ्यूज होते हैं सर नॉट फैन की वजह से नहीं जब एक डायरेक्टर आता है हाँ किसको साइज कर रहे हैं अगर सर को याद है जब मगधीरा नरेट करने के लिए हाँ दोनों डैड और मेहर को नरेट करने के लिए घर आए थे इफ आई एम राइट ही स्टार्टेड टॉकिंग सो राजमौली नाउ आई एम गोइंग टू गो टू दिस सीन एंड डू लाइक दिस सर या आपका नहीं सर चरण का समथिंग लाइक दैट हैपेंड आई डोंट नो ये होता है सर कंफ्यूजन एक्चुअली तो आपको तो कभी अवार्ड शो होते होंगे आप बोल ही देते होंगे इनको कि हमारे ऑलरेडी इतने सारे स्टार्स हैं जो रह गए उनको भी ले आओ अवार्ड शो इधर ही कर लेते हैं और वाह यार क्या बात है कितना प्यार पूरे परिवार को इतना प्यार इतना चाहते हैं लोग आपको आलिया अब तो आपने RRR करी है आपको क्या फर्क लगता है मतलब इतने डाई हार्ड फैंस जो होते हैं जैसे हम लोग सुनते आए रजनीकांत साहब हो गए या चिरंजीवी सर हो गए है ना रामचरण NTR इनकी इतनी डाई हार्ड फैन फॉलोइंग कैसे होती है क्या रीजन ऑब्जर्व किया आपने कुछ आई मीन आई थिंक टेक्निकली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पर इवेंचुअली आई ऑलवेज बिलीव उनकी वहां जो ऑडियंस है एंड जनरली ऑडियंस ना आंखों से कनेक्ट करती है इंसान से कनेक्ट करती है दीस टू गाइज आर रियली अमेजिंग बहुत अच्छे इंसान है एक्चुअली जेन्युइनली बहुत डाउन टू अर्थ बहुत हम्बल दे गुड पीपल तो उनकी वजह से एंड देव डन गुड वर्क एंड देव रियली वर्क वेरी वेरी हार्ड बट हाँ एक चीज मैंने ये नोटिस किया है कि उनकी जो एक फैन फॉलोइंग वो एक नॉर्मल लाइक अच्छा आप अच्छा काम करते हो इसलिए हम आपके फैन वो नहीं है आप हमारे हो आप हमारे परिवार का हिस्सा हो वो टाइप का फैन फॉलोइंग है एंड दैट इज अमेजिंग एंड ऑनेस्टली इन्होंने दोनों इतने साल काम किया है दे हैव गिवन कॉन्स्टेंटली बैक और मैंने देखा है द वे दे स्पीक टू देयर फैंस ऑल्सो हक के साथ बात करते हैं लाइक देयर आर ऑल वन बिग फैमिली टू इट इज वेरी स्पेशल टू सी थैंक यू आलिया तो आलिया इस फिल्म के लिए आपने तेलुगु भी सीखी जी मैंने सिर्फ अपने डायलॉग सीखे ओके और कुछ नहीं हाँ क्योंकि अगर आप मेरे से अभी कुछ बुलवाओगे तो मैं बस डायलॉग सीखे ही आपने एक डायलॉग नहीं बोल सकती हूँ प्लीज प्लीज नहीं नहीं सर कैन यू आस्क माय डायलॉग सर आई एम जस्ट लुकिंग फॉर वेटिंग फॉर दैट ओनली आई वाज सो अफ्रेड दैट यू आर गोइंग टू मेक हर स्पीक माय लाइंस अंदरी की नमस्कारम सबको नमस्कार नाम मुद्दुलु या मतलब आपको मेरा किस सीरियसली बट यू नो आई वांटेड टू नो टू द एक्टर्स दैट आपने हिंदी कहां से सीखी क्योंकि आप तो वहीं पर साउथ में पले बड़े हैं प्लस आई थिंक आवर स्कूलिंग इन आवर स्कूल्स भी यू नो फॉर मी एटलीस्ट यू नो माय फर्स्ट लैंग्वेज वाज हिंदी सो इट हेल्प्ड मी
तो ये बहुत ही नहीं अब हो जाएगा क्योंकि वो जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना मुंबई हैदराबाद इन्होंने पूरी फिल्म आपने ट्रेलर में भी सुना होगा अपने आवाज में डब किया है हिंदी द होल फिल्म वाओ आई वाज वंडरिंग तो इसलिए ऑडियंस को एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलेगा जैसे आपने एनटीआर से पूछा कि उन्होंने हिंदी कहाँ से सीखी है हिंदी तो चलो एक लैंग्वेज है आप किताब से दोस्तों से सीख सकते हैं इनको पूछिए आपने दूसरों की कुर्सी छीनना कहाँ से सीखा है वो भी पॉलिटिशियन की राजमौली साहब देयर वाज अ गाय वेरी लविंग गाय वेरी क्यूट ऑलवेज लाफिंग शी जस्ट स्नैच्ड हिज चेयर डू दे नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने खाली करवाया कि नहीं देवी जी कृपया आप वहां जाइए राम सर आपको कोई बॉलीवुड की किसी फिल्म का जिनको आप एडमायर करते हो या अच्छे लगते हो आपको एक्टर उनका कोई डायलॉग याद है डायलॉग नहीं सर अच्छा फिल्म तक आई थिंक लॉकडाउन में कई फिल्म दिखे अच्छा लास्ट फिल्म आई सॉ इज शेरशाह ओके फैंटास्टिक मूवी इट्स ऑलमोस्ट ऑन लाइक उरी फीलिंग आई थी जब हम उरी देख रहे थे सो दैट वाज वेरी गुड राजी वाज फैंटास्टिक आई बिकेम राजी एक्चुअली या व्हाट अ मूवी सो प्राउड ऑफ यू आलिया थैंक यू राम सर आलिया एनटीआर सर आप सब सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स वीडियो डालते रहते हैं नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं है ना हमारी हिंदुस्तान की ऑडियंस बड़ी क्रिएटिव हो गई है तो बड़े फनी फनी कमेंट्स हैं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं आपके पिक्चर्स के नीचे प्लीज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन आलिया की पिक्चर है ये मेरी पिक्चर है वाह आलिया हाँ। क्या बात है यार क्या फ्लेक्सिबिलिटी है हाँ। दिखाइए कमेंट्स ये ब्लर किया है Only funny comments are invited. Oh, okay. मैं समझ गया मैडम आप सर्कस दिखा रही हैं अब इसके बीच में से कुत्ता निकलेगा किसी ने रिप्लाई भी किया कहते निकल जा फिर देख क्या रहा है Fab. मैं अगर इतना फ्लेक्सिबल हो जाऊं तो पैसा बचाने के लिए सूटकेस में चला जाऊं Fab, fab, fab. और दिखाइए मुझे पीछे घड़ी दिख रही है दोपहर के 1 बजे हैं ये योगा का नहीं खाना खाने का टाइम है आर्य भट्ट ने 0 इसीलिए ढूंढा था एक दिन आलिया भट्ट उस पर एक्सरसाइज करेगी वेरी क्रिएटिव ट्रायंगल तो बन गई अब स्क्वायर बन के दिखाओ तो माना और आगे दिखाइए ओ थैंक यू राजमौली घारू एंड रणवीर सिंह फॉर ग्रेसिंग अवर इवेंट एंड मेकिंग दिस ग्रैंड स्पेक्टेकल स्पेक्टेकल क्या होता है अर्चना जी मतलब देखो नजारा एक खूब बढ़िया नजारा एक बड़ा सा स्पेक्टेकल ओके नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं रामचरण भी लाइक भाई बनियान और शर्ट भी आते हैं जो सूट के अंदर पहने जाते हैं चोटी के नीचे चोटी चोटी के ऊपर चोटी नीचे वाली चोटी है ऊपर वाली से छोटी तो बताओ कितनी चोटी और दिखाइए कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो फोटो खिंचाने के लिए बोनट पे ही बैठना पड़ता है रणवीर ने आज लड़कियों के कपड़े नहीं पहने तो उनके जैसी चोटी रख ली और दिखाइए ओह माय गॉड बीन एजी सिंस आई वोर एन आईडी कार्ड माय फर्स्ट एवर ऑन सेट्स ओके चलिए गॉड अच्छा ये जो गाने का शूट करने गए थे आप यूक्रेन ना यूक्रेन में आईडी कार्ड वाला ये क्या है आईडी कार्ड लेकर होते हैं अलो चेहरा सेट की मतलब मतलब अगर आईडी कार्ड नहीं है तो सेट पे अलाउ नहीं करेंगे ओके ओके अच्छा दे वोंट अलाउ यू ऑन द सेट सर आईडी तो ठीक है ओटीपी और पासवर्ड किसी को ना बताएं
सर आपको आईडी कार्ड क्यों पहनाया? आपके नाम से सेट पर कोई और खाना खा रहा था क्या? खाना तो ठीक है, आपके नाम से कोई हीरोइन से रोमांस तो नहीं कर रहा है? नहीं, और आगे दिखाइए. There's more? सर आपको आई कार्ड की जरूरत नहीं, आप हमारे स्टार हैं. ये तो उनको सूट करता है जो क्रेडिट कार्ड बेचने आते हैं. और दिखाइए आगे. 18 years, student number 1 released today. Oh wow. Oh wow. चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं. सर कितने साल से स्क्रिप्ट ही डिस्कस कर रहे हो, शूटिंग कब करोगे? 18 साल हो गए, ये फिल्म बन रही है या कोर्ट केस चल रहा है? ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट लिख दी कि उनको समझाने में आपकी दाढ़ी और बाल सफेद हो गए? और दिखाइए. थ्रो बैक टू व्हेन मास्क वर स्किन केयर एंड पीपल वर काइंड. ओके, दिखाइए कमेंट्स. ये मुंह पे डोसा क्यों लगा? मुंह पे डोसा. अरे इन्हें कोई बताओ, मास्क से मुंह और नाक ढकते हैं. आलिया भूत, आप बहुत बहुत सुंदर लग रही हो, कैसा लगा मेरा मजाक? नीचे किसने रिप्लाई किया, चुप भूतनी के. कैसे मान लूं आप आलिया भट्ट हैं? मुंह धो के मुझे वीडियो कॉल करो. नीचे उसने नंबर भी लिखा था, ब्लर किया है वो. और इधर चीकी का आया. और दिखाइए. बैड बॉय, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, लॉट्स ऑफ लव टू एक्टर प्रभास. ओके, दिखाइए कमेंट्स. जब पार्टी में आपकी क्रश आ जाए. प्रभास भी लाइक, बधाई हो भाई, तुमको भी राजा मौली की फिल्म मिल गई, अब तो पैसा ही पैसा. और दिखाइए. वाओ, सिंड्रेला नेवर विश्ड फॉर अ प्रिंस, ऑल शी आस्क्ड फॉर वाज अ न्यू ड्रेस एंड नाइट आउट. वाओ, नाइस नाइस पिक्चर. दिखाइए कमेंट्स. आपने ज्यादा कपड़ा वेस्ट कर दिया, जितना कपड़ा उड़ रहा है उसमें आदमी की लुंगी बन जाती. वाह, आप तो जहां भी बैठ जाओ वहीं पे शतरंज खेल सकती हो. ऐसे कपड़े पहन के लड़कियां जब रैंप पर चलती हैं तो साथ में पोचा भी लग जाता है. स्वच्छ भारत. स्वच्छ भारत. और दिखाइए. आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है, ये मनीष मल्होत्रा का कपड़ा है? किसी ने लिखा नहीं, पर्दे का कपड़ा. कुछ भी कहो, ऐसे कपड़ों में हीरोइन ही अच्छी लगती है. हमारी वाली को तो पता ही ना चले बाजू कहां से निकालने और पैर कहां से. और ट्रू. वाओ, सुपर. एनटीआर सर, हमने सुना कि यू आर वेरी फेमस इन जापान आल्सो, लाइक कपिल शर्मा इन मुंबई. सो जैसे अपने फैंस जो होते हैं अपने स्टार्स के लिए कुछ ना कुछ कार्ड्स गिफ्ट्स भेजते रहते हैं, जापान से आपके लिए कभी कोई ऐसे गिफ्ट आए? हाँ, आया था ना सर. क्या भेजते हैं वो? सुशी पैन. पैन फ्रॉम जापान. ओके, वेरी नाइस. आई एम गेटिंग बेटर. मच नाइस. नाइस. हाँ, मेरा भी एक ख्वाहिश है ना सर, आपको निकाल के वहां बैठूंगा. और आप वहां बैठेंगे? और ये कहां बैठेंगे? तेरे साथ. ये दाढ़ी रख के एनटीआर बन जाएंगे बाद में. राम सर, जब कोई नई गाड़ी लेता है यार दोस्त, तो बोलते ना यार एक चक्कर लगवा के लाओ. तो जब आप कोई नया जहाज लेते हो तो रिश्तेदार बोलते हैं एक चक्कर मुंबई लगवा के लाओ. मुंबई? हाँ, मतलब कहीं पे भी बोनेट पे बैठ के पिक्चर लेते बस. चलाते. ओके, सो जो कैन बी इग्नोर्ड सर, ये मैं एडिट में कटवा दूंगा. अच्छा, मैंने जो राम सर की एनटीआर सर की फैन फॉलोइंग सुनी है, इतने लोग बड़े बड़े नेताओं की रैली में नहीं आते. इनकी फिल्म आई थी आंध्रा वाला, तो उसके ऑडियो रिलीज पे कहते हैं कि इतनी पब्लिक आई थी, गवर्नमेंट ने 10 स्पेशल ट्रेन चलवाई थी.
Wonderful. सर ये क्या मतलब कितना क्राउड आया था उस समय वहां पर? सर कुछ 9-10 लाख. वाओ या क्या बात है यार. मैं सोची थी 9-10 हजार होंगे. नहीं नहीं वो फंक्शन में बस अभी घूमते रहता है सर ऐसा. इट्स आई डोंट नो. इट वाज वन एक्सपीरियंस व्हिच विल ऑलवेज जस्ट बी विद मी. क्या बात है. हां सर. एंड नॉट वन रॉन्ग इंसिडेंट हैपेंड. किसी का कुछ होना या किसी को कुछ लग जाए. देयर वाज नो इंसिडेंट रिपोर्टेड. क्या बात है यार. गॉड ब्लेस. बड़ा प्यार मिलता है. सर मैंने सुना है कि जब मक्खी मूवी आपने बनाई तो आपकी धर्मपत्नी जी ने गेट पे लिखा दिया कि इनफ ऑफ मक्खीज एंड इंसेक्ट्स नाउ मेक ए मूवी ऑन हीरो. इज इट ट्रू सर? एक्चुअली नॉट माय बीवी, माय कार ड्राइवर. ओके. माय कार ड्राइवर गॉट वेरी एंग्री दैट आई एम मेकिंग मूवी ऑन अ फ्लाई. So he was saying, वो क्यों इतना? Have you gone mad? Forget these flies and cockroaches. Why can't you make films with human beings? Wow. You used to put flies for hibernation, no? To study them properly. Yeah, yeah. That's right. Sir, इनके फ्रिज में ना सर. फ्रिज में. जब खोलते हैं तो खाना नहीं मिलता था. बस मक्खियाँ थी उसमें. अच्छा. Hibernation पे डाल रहा था. You know he was डाल रहे थे ये कि वो he used to put them in a bottle. अच्छा. You open the fridge and there are monkeys. Oh, different bottles. He used to hibernate them. Put them to sleep so that you can study them better. Oh. उतना सा इंटरेस्ट था इनको मक्खियों पे. मक्खी की फिल्म बनाई हो. मक्खी को आपने बोतल में बंद कर दिया. बाहुबली बनाई तो प्रभास को स्टूडियो में बंद कर दिया. वाह बंद कर देते हैं बंदे को. उसके बाद निकालते सीधा ही सुपर डुपर हिट. वाह. पर सर कैसा लगता है राजमौली सर जब आपको लोग इतनी मोहब्बत इतना प्यार तो फिर क्या आपको अंदर से फील आता है? लोग कहते हैं हमें राजमौली के साथ काम करना है. आप जब सुबह उठते हो शीशा देखते हो आपने आपको मैं ही राजमौली हूँ तो क्या फील आता है आपको? नहीं सर, आई डोंट लुक इनटू द मिरर. आई डोंट लुक इनटू द मिरर एट ऑल. सीधा मॉनिटर ही देखते हो आप? शॉट ही देखते हो? सिर्फ मॉनिटर. नाइस. सर हम अपने शो में जो स्टार्स आते हैं तो उनके जो फैंस होते हैं हम लोग उनको लाइव उनके साथ बात करने का मौका देते हैं. जैसे राजमौली सर ने मक्खी फिल्म बनाई ऐसे ही हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होती जिसको लगता है कि यार मेरी इस जानवर से मिलती है. जैसे मेरी मम्मी मुझे हमेशा बंदर बोलती है कि तू उछलता रहता है ये है वो है. सही बोलती तो है. ऐसा ऐसा आप में से किसी को लगता है कि आपके अंदर कोई जानवर छुपा हुआ है? जी भाई साहब. हेलो कपिल सर. हेलो. हेलो एवरीवन. हाय. मेरा नाम पलाश है और मैं इंदौर से आया हूँ. पलाश वेलकम. पलाश जैसा कि अभी सर ने पूछा तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक जानवर है, गाय. आपको लगता है आपके अंदर गाय है? हाँ सर. चारा खाने का मन होता है कभी कभी? तो ऐसे क्यों लगता है सर आपको? ऐसा मुझे पिछले 6-7 महीने से लग रहा है जब से मेरी शादी हुई है. मेरी वाइफ हमेशा मुझे ऑफिस से आने के बाद कभी गाल पे हाथ फेरना कभी कंधे पे हाथ लगाना मुझे लगता है मुझे प्यार कर रही है. लेकिन एक दिन में बोली आप बड़े सीधे हो मेरी हर बात सुनते हो. अच्छा. मुझे एहसास हुआ कि मुझे गाय समझा जा रहा है. अगर नहीं सुनेंगे आप बात तो फिर बकरा बनोगे आप. उसका मुंडी कटेगी. आपकी वाइफ भी आई है साथ में? हाँ सर. कहाँ है? So नमस्कार sweetly जी. she's नहीं, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं आप ऑफिस आते हैं सीरियसली आप गाय के जैसे प्यार करते हैं उनको? वैसे ये सीधे बहुत है बट ये गाय कब लोमड़ी बन जाएगी वो मैं भी नहीं जानती. पर नहीं क्यूट है भाई साहब. हाँ. परेशान मत करिएगा उनको प्लीज. सीरियसली गाय हैं. बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए. जी भाई साहब. हेलो एवरीवन. हेलो. कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू फिल्म. थैंक यू. आपका नाम क्या है सर? पंकज जैन. कहाँ से आए जैन साहब? मैं बोरीवली से आया हूँ सर. अच्छा जी. सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तुलना ना घोड़े के साथ की जा सकती है. क्यों? क्योंकि मैं रात दिन भर काम कर सकता हूँ. मेरे इन एनर्जेटिक है. अच्छा. मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ विदाउट स्लीपिंग वगैरह. आपको मैं शादी का फंक्शन बुक कराऊं पीठ पे दूल्हा बिठा के छोड़ाओगे? घोड़ा इज अ परफेक्ट एनिमल. अच्छा जी. मैं भी हाइट बॉडी वगैरह सब परफेक्ट है वैसे घोड़े के भी परफेक्ट एनिमल है. तो मुझे चने खाने के बड़े शौक है. अभी लॉकडाउन में इन्हें चने खा चुका हूँ ना घर पे बीबी परेशान हो गई है. पर आप चेक करवाओ आप कहीं सीरियसली घोड़े को. तो मैं घोड़े की आवाज भी अच्छी निकाल सकता हूँ. निकालिए. सर एक बात मैं बोलना चाहूंगी. हाँ ये आई घुड़सवार.
ये घोड़ा तो है, कहीं भी जाके आ जाए, कितना भी काम कर ले, कहीं भी जाके कुछ भी कर ले, लेकिन इस घोड़े की लगाम तो मेरे ही हाथ में। हमको पता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.